अस्सलामुअलैकुम, मैं सुलेखा अरफान, सुलेखा किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं पुरानी दिल्ली स्टाइल जामा मस्जिद स्टाइल क्रिस्पी चिकन फ्राई। चलिए शुरू करते हैं। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए ये है 550 ग्राम चिकन, हड्डियों के साथ है, चर्बी निकाली हुई, दो तीन पानी से धो के नितारने 10-15 मिनट के लिए मैंने छन्नी के ऊपर साइड पर रख दिया था। अब एक बाउल में डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं कि जो लेग पीस है उसे मैंने इस तरीके से स्लिट मारे आगे पीछे। अच्छा, अब आप चाहें तो 600 ग्राम तक भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार या फिर आधा छोटे चाय का चम्मच, 1 टेबल स्पून नींबू का रस और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे ढक कर फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए साइड पर रख दीजिए। अच्छा, अब आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं और क्लाइमेट नॉर्मल अच्छा टेम्परेचर हो तो आप बाहर भी रख सकते हैं, बट मैं ढक कर फ्रिज में रख रही हूँ। ये हमारा फर्स्ट मैरिनेशन है। 1 घंटा हो गया है हमारे फर्स्ट मैरिनेशन को। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले तो ये पानी जो भी निकला है चिकन में से वो निकाल कर साइड पर रख दीजिए और दूसरे बाउल के अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्नस्टार्च डाल दीजिए, 1 टेबल स्पून बेसन, आधा छोटा चाय का चम्मच भुना और पीसा हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच काला नमक, 1 छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, चुटकी भर तंदूरी फूड कलर, ऑप्शनल है, नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ना 1.5 या 1.25 टेबल स्पून भर कर ये डाल रही हूँ दही, लेकिन ये मैंने 10-15 मिनट के लिए छन्नी के ऊपर साइड पर रख दिया था और इसका जो पानी सारा निकल गया, ये जो गाढ़ी दही मिली है वो मैंने डाली है 1.25 टेबल स्पून जितनी। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मिक्स हो जाएगी, पानी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमारी जो चिकन है उस पर डाल दीजिए और हाथों की मदद से या स्पैचुला की मदद से बहुत ही अच्छा मिक्स कर लीजिए। इसमें मैंने कहीं पर भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है और आपने देखा जो चिकन के अंदर पानी था वो भी मैंने स्टार्ट में निकाल दिया और अब ये मैरिनेशन डाला है। उसी समय फ्राइंग भी कर लीजिए, तो चूल्हा फास्ट आंच पर चालू करके तेल गरम कर लीजिए। अच्छा तेल गरम हो जाए तो चूल्हा मीडियम करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलिए और वेल कोट करते जाइए आगे पीछे हमारे चिकन पीसेस को और थोड़े इस गरम तेल के अंदर ड्रॉप करते जाए, ज़्यादा मत डालिएगा, फ्यू एट अ टाइम डालें और इसे मीडियम आँच पर 1 से 2 मिनट तक पकने दीजिए, क्योंकि पीछे का साइड थोड़ा सा गीला गीला रहता है ना, तो थोड़ा कोटिंग आ जाए इसके ऊपर 1-2 मिनट में तो अच्छे से कोटिंग आ जाएगी, तो इसे पलट दीजिए और चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच और तकरीबन 5 मिनट तक उलट पलट करते हुए इसी तरीके से स्लो आँच पर पका लीजिए। जब 5 मिनट हो जाए तो पक जाएगी हमारी चिकन, फिर मीडियम आँच कर दीजिए और लास्ट का 1 मिनट और पका लीजिए तो क्रिस्पी हो जाएंगे मीडियम आँच पर ना। तो हमने तकरीबन 5 मिनट पकाया स्लो आँच पर, फिर 1 मिनट क्रिस्पी करने के लिए मीडियम आँच पर पका लीजिए। जब 1 मिनट हो जाए तो बार बार चलाते रहिएगा, हाँ 1 मिनट हो जाए तो इन्हें निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर पर मत रखिए, नरम पड़ जाएंगे, हमारी जो छन्नी आती है इसके ऊपर डाल दें, इसी तरीके से बैचेस के अंदर वेल कोट करी हुई चिकन डालें और इसे इसी स्टेप के हिसाब से फ्राई कर लीजिए। अगर मान लो आपकी चिकन थोड़ी बड़ी है, मेरी आप देख सकते हैं थोड़ी छोटी, अगर आपकी चिकन ज़रा बड़ी है ना तो आप क्या कीजिए, 5 मिनट स्लो आँच पर पकाने के बजाय 6-7 मिनट पका लीजिए और फिर 1 मिनट मीडियम आँच करके उसे क्रिस्पी बना लीजिएगा। इसी तरीके से सारे वेल कोट करे हुए बैचेस में चिकन को फ्राई कर लीजिए। अच्छा, सेकेंड जब आप मैरिनेशन करते हैं तो आपको मैरिनेट करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देखा डायरेक्ट मैंने फ्राई किया, आपने भी वैसा डायरेक्ट फ्राइंग भी करनी है। और दूसरी बात यह है कि हम जब कहते हैं कि ओल्ड दिल्ली स्टाइल जामा मस्जिद स्टाइल कहते हैं क्रिस्पी चिकन, तो वहाँ क्या करते हैं वो लोग, जब ये फ्राई कर लिया ना उसके बाद वो साइड पर रख देते हैं, जब सर्विंग का टाइम आता है ना तब वो लोग क्या करते हैं फिर से रीफ्राई करते हैं। मतलब तेल गरम कीजिए फिर से मीडियम आंच कर और उसे ये पीसेस को डाल दीजिए, तो क्या होंगे कि और एक्स्ट्रा क्रिस्पी भी हो जाते हैं और गर्म भी हो जाते हैं। बट मैं ये सेकेंड वाला रीफ्राई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि एज इट इज़ मेरी तो चिकन क्रिस्पी भी बनी है माशाल्लाह और आप देख सकते हैं कोटिंग भी बराबर है, निकली नहीं है, टूटी फूटी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैं उसे सेकेंड टाइम फ्राई नहीं कर रही। बट आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाना है एकदम एग्जैक्टली वैसा तो आप रीफ्राई कर सकते हैं। चलिए अब ये बन गई है हमारी
लजीज पुरानी दिल्ली स्टाइल, जामा मस्जिद स्टाइल चिकन फ्राई, क्रिस्पी एकदम। मैं इसे थोड़ा सा चाट मसाला डाल के सर्व कर रही हूँ, आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, और मैं टमाटर सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। वैसे उसकी ज़रूरत तो है नहीं, बट आप चाहें तो वो दही की ग्रीन वाली चटनी आती है ना, उसके साथ सर्व कीजिएगा। वो वाली रेसिपी का लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो है ना मज़ेदार हमारी क्रिस्पी चिकन आज की। अगर आप ये बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो क्विकली ये वाली वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उससे ज़्यादा अच्छी लगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।